दिस इज पलक मालविया, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में दो ड्रिंक शेयर करने वाली हूं। एंड जो मैं दो ड्रिंक शेयर करूंगी, ये आपके स्किन और आपके हेयर के लिए, दोनों के लिए ही बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। और इसको बनाना बहुत आसान है, इसके लिए आपको बहुत इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं है। जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए रहेंगे वो आपके किचन में ही अवेलेबल हो जाएंगे, और बहुत कम टाइम में ये आपकी जो ड्रिंक है बनके रेडी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इस ड्रिंक को आपको कैसे बनाना है, कैसे आपको पीना है, और इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत रहेगी। स्टार्ट करते हैं हमारी पहले ड्रिंक बनाना। पहले ड्रिंक बनाने के लिए आपको जो चाहिए वो चाहिए एक ग्लास पानी। आपको सिर्फ इस ड्रिंक को बनाने के लिए एक ग्लास पानी ही चाहिए, और कुछ भी इसके अंदर आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट ये पानी जो है ये नॉर्मल पानी नहीं है, ये है गर्म पानी। आपको दिन भर जब भी आपको प्यास लगे तब आपको गर्म पानी ही पीना है। इतना गर्म पानी पीना है कि जितना आप अच्छे से उसको पी सके। और पीने का तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पीना है। अगर आप दिन भर गर्म पानी नहीं पी सके तो एटलीस्ट 5 से 6 ग्लास तो आप दिन भर में गर्म पानी के पिए। इससे आपकी स्किन और आपके हेयर में काफी आपको फायदा दिखेगा। आपकी स्किन अंदर से ग्लो करने लगेगी। बिकॉज क्या होता है ना, हम लोग फेस पैक और हेयर पैक, हेयर मास्क तो बहुत सारे लगा लेते हैं, बट अंदर से हमारी बॉडी जब तक क्लीन नहीं होगी तब तक हमारी स्किन पे वो फेस पैक और मास्क भी कोई वर्क नहीं करेंगे। गर्म पानी पीने से हमारी स्किन जो है अंदर से बिल्कुल क्लीन होगी, हमारे फेस पे एक ग्लो लाएगा, हमारे हेयर्स को भी शाइनी और स्ट्रांग बनाएगा। तो आपको गर्म पानी पीना है 5 से 6 ग्लास, या फिर दिन भर में आप जितने ग्लास पी सकते हैं उतने आपको पानी, गर्म पानी पीना है। आपको पीना है कैसे है, जब भी आप गर्म पानी पिए आपको हमेशा बैठ के पानी पीना है, खड़े होकर आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है। तो जब भी आपको प्यास लगे आपको बैठकर पानी पीना है। और पानी कैसे पीना है, आपको सिप सिप करके पानी पीना है। आपको एक साथ में पूरा ग्लास नहीं पी जाना है, बिल्कुल सिप सिप करके आपको, इस तरीके से मैं आपको बता रही हूं। इस तरीके से आपको पानी पीना है और हमेशा बैठ के पानी पीना है। तो ये तो रही हमारी पहली ड्रिंक। जो हमें जो सेकंड ड्रिंक बनानी है उसके लिए आपको क्या चाहिए रहेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले एक खाली ग्लास लेना है। और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हल्दी। आप लोग देख सकते हैं ये हल्दी है, 1/4 टीस्पून से भी कम हल्दी आप लोग देख सकते हैं। इतनी ही हल्दी आपको ऐड करनी है, इससे ज्यादा हल्दी आपको इसमें ऐड नहीं करनी है। आपने इतना हल्दी लिया और इसमें आप ऐड कर दीजिए। अब इसमें आप क्या ऐड करेंगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, इसमें आप ऐड करेंगे 1 ग्लास के करीब गरम पानी। ये गरम पानी इतना गरम होना चाहिए जितना आप चाय पीते हैं। आपने इसमें ऐड कर दिया और इसे अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। मिक्स कर दिया इसे भी आपने अच्छे से, और इसे भी पीने का तरीका सेम वही है जैसा मैंने आपको बताया था। आपको बैठ कर पानी पीना है और सिप सिप करके आपको इसे पीना है। इसे अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए, और इसे आपको दिन में 2 बार पीना है। जब आप सुबह उठेंगे तब आपको खाली पेट इसे पीना है, और रात को जब आप खाना खा ले सोने से आधे घंटे पहले इसे आपको पीना है। हल्दी वाला पानी आपके स्किन और आपके हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये आपके बॉडी को अंदर से क्लीन करेगा, आपके फेस पे एक्ने अगर होते हैं या दाने निकल जाते हैं तो उससे भी आपको प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हो जाएगी इससे। और आपकी स्किन को काफी अच्छा बनाएगा, आपकी स्किन को फेयर करेगा, बिल्कुल अंदर से आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन कर देगा। आपके हेयर को भी स्ट्रांग बनाएगा, हेल्दी बनाएगा, शाइनी बनाएगा, और अगर हेयर लॉस या हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो उसे भी ये कंट्रोल करेगा। तो बहुत बेनिफिशियल है हल्दी वाला पानी आपके हेयर और स्किन के लिए। तो इसे भी आपको सेम ऐसे ही सिप सिप करके पीना है। अगर आप चाहें कि आपको टेस्ट स्टार्टिंग में इसका अच्छा नहीं लग रहा है, आप नहीं पी पा रहे, तो आप इसमें हनी और लेमन भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं तो सिर्फ इसे हल्दी डालकर ही ऐसे ही पीती हूँ। अगर आप नहीं पी सकते हैं तो आप इसमें नींबू या फिर शहद को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे दिन में आपको 2 बार लेना है, और जो मैंने गर्म पानी बताया उसे आप दिन भर में कितनी बार भी पी सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल होगा। इस ड्रिंक को कौन कौन लोग पी सकते हैं और कौन नहीं पी सकते हैं? वैसे तो इस ड्रिंक को हर एज के लोग पी सकते हैं, सभी के लिए काफी बेनिफिशियल होगा ये। बट जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है वो इस ड्रिंक को नहीं पी सकती है, और जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, अभी अपने बच्चे को फीड करा रही है, वो भी इन दोनों ड्रिंक्स को नहीं पी सकती है। बाकी सभी लोग इसे पी सकते हैं, काफी बेनिफिशियल होगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रही है।
तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसे आप क्लिक करेगा तभी आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।